सत श्रीकाल जी, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ विनित कपूर और पंजाब दे सिख्या मंत्री है साढ़े नाल ने गलबात करांगे। गुरमीत सिंह मीथेर साढ़े नाल है। सिख्या महकमा मिल गया जी। सिख्या महकमा जिहड़ा वड्डा मसला सी, सिख्या वड्डा मसला सी आम आदमी पार्टी का चोणां वेले, किस दे म्यार नूं उच्चा करना है और पिछले हालात तुसी वेखते ही हो किस ढंग दे धरने लगते हुए नज़र आए सी। खास करके सिख्या मंत्री दी कोठियां नूं कर्मचारी जिहड़े ने, अध्यापक जिहड़े ने, साल साल दो दो साल तीन तीन साल घेर के रख्या होया। हुण तुहाडे कोल उह महकमा, एक तो म्यार उच्चा चकना, दूजा कर्मचारियों भी नाल लैके चलना। देखो ये तो है ही है, बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि साडे लिए इलैक्शन दे विच भी यही मेन एजेंडा रहा कि असी एजुकेशन ते सेहत दे विच सुधार करना है। ये महकमे दोनों ते काम करना है ते लोकां ने सानू वोटां भी इसे करके पाईआं क्योंकि दिल्ली का जिहड़ा एजुकेशन ते हैल्थ है उहदी अज पूरे हिंदुस्तान च चर्चा भी एजुकेशन दे विच बड़ा सुधार किया, सेहत महकमे दे विच बड़ा सुधार किया ते उस चर्चा दे करके लोकां ने साडे ते विश्वास दिखाया गा। ते मैं तां धन्नवाद करदा अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, राघव जी, समुची जिहड़ी हाई कमांड संदीप जी का, जिन्हां ने मेरे ते जिहड़ा सब तो मतलब कि जिन्हों वो एज ए मॉडल पेश करना चाहते हैं, मैनू वो महकमा दिता, मैनू इस लायक समझिया भी मीत नूं जिम्मेवारी देईए। सो मैं ये इमानदारी नाल जो हाई कमांड ने मेरे ते विश्वास दिखाया ते पंजाब दे लोकां ने पहला सानू वड्डा मैंडेट दे के दिखाया, इमानदारी नाल जिम्मेवारी नूं निभावांगे ते पंजाब दा एजुकेशन सिस्टम पूरे देश चों जिहड़ा उहनूं बेहतर बना के दिखावांगे। हालात जिहड़े सिख्या महकमे दे इस वेले ने पंजाब दे अंदर जिहड़े हालात वेखण नूं मिलदे, कहिंदे कि आह हालात जिहड़े ने ना उह सिख्या मंत्री दा वीपी वी वधा के रखदे ने, तैयार हो इस लई? कोई चैलेंजिंग तां मैं तुहानूं कहना है ही है, पर काम तुहानूं जिहड़ा उह करना पैना, मेहनत करनी पैनी है। 16-16 घंटे काम करांगे, कोई नहीं, साडे कोले मनीष सिसोदिया जी है जिहड़े अज देश दे सब तों बेहतर सिख्या मंत्री है, सानू उन्हां दा तजर्बा बड़ा काम आऊगा। उन्होंने तो देखो बड़ा पहला उस चीज़ से स्टडी किया होना है, स्टडी करके फिर उन्हें इंप्लीमेंट किया, हुण साडे कोल उन्हां दा मॉडल सिख्या सिखाया, उन्हां दी मेहनत साडे कोल पई है, असीं कल्ला उन्हां दे जिहड़ियां पॉलिसीज़ है उन्हां नूं पंजाब दे विच लागू करना। इत्थे सानू पता भी बड़े लंबे अरसे तो स्कूलों दीआं बिल्डिंग्स नहीं बनिया, उही पुराने स्कूल है, टीचरां दी भर्ती नहीं हो रही है ना। सो बजट की जरूरत जरूर पवेगी, ओवर द नाइट तो रातों रात कुछ नहीं होना, पर मैं सारे जिहड़े कर्मचारी आ उन्होंने भी कहना कि थोड़ा धीरज रखियो, पर असी इमानदारी दे नाल बजट भी वधावांगे, खाली सामियां भी भरांगे आने वाले समय च, जिहड़े 6-6 हज़ार ते साडियां भैणां कई पढ़ा रही लंबे अरसे तो 8-8 हज़ार ते, उन्हां दीआं सैलरियां भी वधावांगे, पक्के करने वालों पक्के भी करांगे। तो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम सुधारण के लिए जी जान जिहड़ी है दिन रात एक है, वो कर देंगे। चलो तुसीं इह ते गल कीती, उन्हां नूं ते स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच कहता कि थोड़ा समा दिओ, सोचा सी सिख्या महकमा मिलेगा मंत्री जी जदों ओथ लैके आए, सोचा सी कि आही महकमा मिलेगा या किसी होर महकमे की उम्मीद ला के बैठे? नहीं, मैनूं देखो मीत नूं तां कदे MLA बनन की उम्मीद नहीं सी, है ना, 27 साल की उम्र च पहली बार MLA बनाया, फिर 32 साल की उम्र च पार्टी ने दोबारा टिकट दिती। सो जो कैबिनेट रैंक का पता लग्या चलो बड़ी खुशी भी सी, ये सोचा हुआ सी भी जिहड़ा मर्जी महकमा मिले आपां इमानदारी नाल अपना 100% देना। सो मैं अज भी कहना कि अपना 100% 16-16 घंटे भी काम करांगे, इमानदारी नाल जो भी बेहतर हो सकता हुआ, जो सुधार लिया सकते हुए वह इमानदारी नाल लिआउण दी कोशिश है जिहड़ी, वह रहूगी। जी तुसीं भी बहुत वेखे होणगे, टैंकियां भी वेखियां होणगियां, टावर भी वेखे होणगे, और जदों बरनाले वालों जाते हो गए तो संगरूर दे विच सिंगला साहब की घेरी हुई कोठी भी वेखी होएगी, वह हालात ना बनन उस लई की रणनीति हुणे तो बनानी शुरू कर रहे हो? देखो उहदे लई मैं उही कहना सानू सुधार करना पवेगा कि उन्हां दीआं समस्यावां ने, कच्चे मुलाजम जिहड़े आ उह पक्के नहीं हो रहे, जिहड़े 6-6 हज़ार ते काम करदे आ, उन्हां नूं की पॉलिसी बना सकते हैं, किस तरह असीं पक्के कर सकते हैं, किस तरह असीं खाली सामियां भर सकते हैं, किन्नियां खाली ने, किन्नियां भरियां जा सकदियां ने, वह सारे कास्ते स्टडी करना पऊ, पॉलिसी बनानी पऊगी, वह सारे कास्ते लई बजट की जरूरत है, बजट सानूं सिख्या का जिहड़ा वह वधाउणा पऊगा। असीं दिल्ली च भी असीं वधाया तां ही उहदे नाल सुधार आया, देखो डिमांड जरूर करांगे, पंजाब च भी असीं वधावांगे, जे असीं सिख्या साडे लई इक
जे मॉडल पंजाब नूं बना के पार्टी पेश करना चाहुंदी है ते इलैक्शन लड़ी है तां जरूर सिक्ख्या दा मॉडल आ जिहड़ा असीं सीएम साहब नाल गल करांगे वित्त मंत्री साहब नाल गल करांगे इहनूं वधावांगे ते सुधार लैण लई हर कुछ आखिरी सवाल कितने वेखते हो सिक्ख्या महकमे नूं इस वेले कितने खड़ा वेखते हो क्योंकि कागजां दे विच जरूर कहा जांदा सी कि नंबर वन है तुसीं कितने वेखते हो सारयां नूं पता ही है कि मैं तुहानूं उही दस्सी जांदा जिहड़े स्कूल च साडे डैडी वर्गे पढ़े ने ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਐਸੈਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ All World Open Challenge 17 time gold medalist Mia Rafiq Mohammed Pandit Maulvi Begum Tantrik inna chora thagga to saavdan specialist Vashikaran satta number love marriage pati patni ch anban videsh ch pakka hona karobar da na chalna sirf 31 ghantiyan vich samadhan free 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 Mia Rafiq Mohammed mobile 84374 94647 84374 94648